ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं सिवा एक अपने घूमने भाषण देने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। 14 साल का था मैं जब से फल और सब्जी बेचता परेशान हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। आम बजट पेश हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन जो बजट से पहले जिन पकौड़ों वालों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, ऐसे में उनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि वाकई इस बजट से वो खुश भी हैं या नहीं। तो चलते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के पास। पकोड़े के ठेले पर खड़े हैं, शायद आप भी पकोड़े खाने आए होंगे। मोदी जी बोलते हैं कि पकोड़े का भी एक रोजगार उन्होंने तेल का रेट पूछे क्या आया, तेल का रेट पकोड़े वाले तेल का रेट पूछने का आया। अब ये 10 रुपए की 50 ग्राम दे रहा जो 100 ग्राम आती थी, जब आलू का रेट क्या है और यहाँ फंस गया, तेल के रेट में फंस गया, गैस के मामले में फंस गया। आलू सस्ता है तो तेल है, टाटा का नमक कहाँ खा जाएगा आदमी पर, ये हाल है। क्या कहेंगे मोदी के बजट पर, क्या आप सहमत हैं इस बजट से? बिल्कुल सहमत नहीं। कैसा होना चाहिए था आपके हिसाब से? गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति कोई नहीं पूरा पाट सकता। गरीबी रेखा जो हुई, गरीब व्यक्ति जो शहर का जो देहात का, उसके लिए बजट बेकार है। ये कोई बजट बढ़िया नहीं है, ना कोई काम बढ़िया हो रहा, ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं सिवा एक अपने घूमने भाषण देने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें अधिकतर जो चीज़ें हैं, जो बाहरी सामान जो लेंगे, चाहे फिर टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, मोबाइल के बिल हैं, हर चीज़ महंगी हो गई। पहले तो हमें दाल रोटी चाहिए, टीवी तो बाद में खरीदेंगे। गरीब आदमी दाल रोटी नहीं मिल रही, मकान नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा, ये अपना मस्ती मारते फिर रहे, ये ले मजे कर रहे, क्या कर रहे मस्त में, गरीब के लिए क्या काम किया उन्होंने, बोलिए कि रोजगार मिलना चाहिए था गरीबी की रेखा के लिए वालों को, देखे को उन्हें मकान 70 लाख से ज़्यादा रोजगार की घोषणा तो की नहीं, कई घोषणा तो है, भाषण नहीं चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, ये भाषण देते फिर रहे, राशन चाहिए भाषण नहीं चाहिए लोगों को, वाकई दाल रोटी चाहिए लोगों को, प्याज चाहिए, आलू कर दिया, काश्तकार को बेटा गर्क कर दिया, खेतीहार का हाल खराब हो रहा, तो क्या कर रहा है ये सरकार इसकी है? ना तो किसी किस्म का ये काश्तकार को हित कर रहा, ना गन्ना कर रहा, ना चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो लगता है आप एक तो गरीबों के ये बजट बढ़िया नहीं है। अब भाई साहब कह रहे थे मोबाइल है, अरे मोबाइल तो बाद में, रोटी मुझे चाहिए ना। तो जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बजट तो आ गया है, लेकिन लोग उससे खुश हैं कि नहीं, एक और शख्स हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपको किस तरह से लगता है बजट, क्या आपके जिस अनुसार सोच रहे थे, क्या ऐसा ही बजट आया है, या खुश हैं इस बजट से या नहीं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई हर तरह से बढ़ी है, हर चीज़ महंगी हुई है, ये आम जनता के लिए संतोषजनक नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े का जो बिजनेस है वो भी एक रोजगार की तरह देखते हैं उसे, आप देखते हैं इसको, और अपने जो बच्चे उनको कहेंगे कि आप भी पकौड़े का ठेला लगाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ये भी रोजगार है। नहीं, इसमें महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है। आज जो चीज़ 50 की है, कल वो 70 की है। तो अब आप भी मजबूर हो जाएंगे महंगाई बढ़ाने को? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। मतलब जनता की जेब जो है वो ढीली होगी। हाँ जी। अच्छा, कुछ और लोग भी आए, आप इधर, आप बताइए किस तरह से देखते हैं, जिस तरीके से बजट आया है, खुश हैं इस बजट से? सर नहीं, कोई हम इसमें खुश नहीं है, क्योंकि एक जो बिजनेस हमारा पहले था वो बिजनेस नोटबंदी के दौरान ख़त्म कर दिया गया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, पीछे खड़े हैं, और लगातार हम पकौड़ों वाले से बात कर रहे थे, एक और शख्स से। आप बताइए जी, बजट से खुश हैं क्या जो मोदी जी ने बजट? जी नहीं, बजट से खुश नहीं है। अच्छा। बजट तो महंगाई के हिसाब से बहुत कम दिया गया है, इस तरह के साथ मतलब गरीब आदमी की तो कोई वो ही नहीं है, गरीब आदमी तो पिस रहा है बुरी तरह से। कैसा होना चाहिए था बजट, आप क्या चाहते कि क्या करना चाहिए था? होनी चाहिए थी किसान, इसके लिए भी होना चाहिए था, सब मजदूर के लिए कुछ बचत होनी चाहिए, जिससे कुछ उसे मिले, अपने बच्चों का पालन कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। बजट उन्होंने ठीक नहीं पेश किया जो किया। ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप बताइए जी, ये कहाँ का बिजनेस है आपका? चिप्स का। क्या कहेंगे जो बजट आया है, खुश हैं क्या? हाँ, दुकानदारी ना है। मोदी जी कहते हैं कि ये भी बिजनेस उन्होंने दिया है, जो ठेले वाला है ये भी करते हैं, आप खुश हैं ऐसे बिजनेस से? खुश कहाँ, दुकानदारी नहीं भाई, दुकानदारी नहीं है। हाँ। अच्छा, और वो तो कह रहे हैं कि रोजगार है, अपने बच्चों को कहेंगे कि आप भी आगे यही कीजिएगा? ये क्या करेंगे हम, बच्चे नहीं करेंगे ऐसा काम, नहीं कहेंगे बच्चे तो ये काम नहीं करेंगे, बच्चे तो पढ़े लिख रहे हैं। क्या बजट खुश हो जाएगा? बोल आज 4 दिन हो गए लिया था सामान यू। अच्छा, 4 दिन से माल भी नहीं बिक रहा, 1 क्विंटल 2 क्विंटल माल ला रहे, वो भी नहीं दुकानदारी हो रही, ना बच्चों को रोजगार है ना अपना है, बताओ
और क्या करना है, मतलब सामान नहीं बिक पा रहा है। सामान नहीं बिक पा रहा है, जो जो जल्दी से बिकता था सामान आज वो चार दिन हो गए, वो एक दिन का बिकने वाला सामान आज चार दिन हो गए, वो अब तक नहीं बिका। बताओ, मतलब ये चार दिन पहले लाए थे और अब तक बिका नहीं? अब तक के बिका नहीं, मंडी के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे। बताओ यहाँ जी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो गरीबों के लिए बहुत काम कर रही है, आपको लगता नहीं कि आपके लिए कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? बस जी भाऊ जी, हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर ही है। बजट पर जिस तरीके से सरकार वाहवाही बटोर रही है और मोदी जी इस बजट की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं अभी भी नाराज है, क्योंकि बजट से आम जनता खुश नहीं है, या यूं कहा जाए कि मिडिल क्लास के लिए तो बजट में कुछ है ही नहीं। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।